सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो आदेश जारी करे कि जो 75 के करीब जिले हैं जहां पर कि ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उनमें बाकी सारी सर्विसेज को रोकते हुए खाली इसेंशियल सर्विसेज ही ऑपरेट करें, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आदेश जारी करे। साथ ही ये भी डिस्कशन हुआ है, ये भी निर्णय लिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस लिस्ट को अपने असेसमेंट के तहत बढ़ा भी सकती है। जितनी भी ट्रेन सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग सब अर्बन रेल सर्विसेज, वो 31 मार्च तक के लिए स्थगित की जाती हैं। मेट्रो रेल सर्विसेज को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया जाता है। इंटर स्टेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उसको भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया जाएगा। मैं ये आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा कि ये सारे मेजर्स टेम्परेरी मेजर्स हैं और ये बहुत वाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। और साथ में ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए कि जो हमारा जनता कर्फ्यू हमने आज किया, ये उसका एक नेचुरल एक लॉजिकल एक्सटेंशन भी है। कैपेसिटी टू मैनेज पॉजिटिव केसेस जब भी वो कभी आए, उसको रैंप अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन ले, और हर स्टेट अपनी स्टेट में डेडिकेटेड ईयर मार्क फैसिलिटीज बनाए जो कि COVID-19 केसेस को मैनेज करने के लिए तैयार हो, और उन फैसिलिटीज को इमीडिएटली रेडी करें कि कोई भी केस आए हम उनको केसेस को मैनेज कर सकें।